हेलो एवरीवन। बारिश के दिनों में अगर भुट्टा नहीं खाया तो फिर क्या खाया। और भुट्टे से तो बनी सारी चीजें ना बहुत फेवरेट होती है सबकी, चाहे वो बच्चे हो चाहे वो बड़े हो। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं तो जो खाते हैं ना लेके स्वीट कॉर्न चाट, कितना मजा आता है। आज वही वाला रेसिपी मैं घर पे बनाऊंगी बड़े ही आसान तरीके से। तो मैं आ गई हूँ मार्केट, और मार्केट में मैंने ले लिया है बहुत अच्छे प्यारे प्यारे से भुट्टे, जो अभी इस सीजन में ताजे ताजे भुट्टे मिल रहे हैं, उसी से बनाएंगे स्वीट कॉर्न चाट। बहुत ही आसान रेसिपी है और मिनटों में बन के तैयार हो जाएगा, बच्चे भी खुश बड़े भी खुश। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने जो भुट्टा लिया है ना बाजार से, उसको पहले अच्छे से छील देंगे। अभी बारिश का सीजन है तो थोड़ा सा इसको साफ सुथरे तरीके से छील लेंगे, जैसे कोई कीड़े मकोड़े ना हो उस हिसाब से देख लेंगे। तो मेरा तो छीलते छीलते लग रहा था कि हाथ दुखने लगा, तो बस हस्बैंड भी किचन में आ गए और एक भुट्टा मैंने छीला और एक भुट्टा मैंने छिलवाया। बस अभी वही हंसी मजाक चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे दो भुट्टे का स्वीट कॉर्न चाट बनाया है। तो यहाँ पे भुट्टे तो छिल चुके हैं, अब इसके दाने जो है ना हम अलग करने वाले हैं। तो दाने जो है बहुत आसानी से निकल जाएंगे। देखिए मैंने कैसे इसको अलग किया है, बड़े आराम से एक हाथ में इसको पूरे भुट्टे जो है ना खड़े करेंगे और चाकू से इसको ऊपर से लेके नीचे की तरफ से ना ऐसे छीलते जाएंगे, जैसे हम कोई छिलका छीलते हैं ना वैसे ही बड़े आसानी से दाने जो है एकदम बराबर से नीचे की तरफ गिरते जाएंगे। कोई भी ट्रे या प्लेट थाली आप लगा लीजिए, नीचे दाने जो है बराबर से उसी में रहेंगे। अभी जो ये भुट्टे आते हैं बहुत ही बढ़िया वाले आ रहे हैं, एकदम सॉफ्ट साथ, इसमें बनाने में भी टाइम नहीं लगेगा, बहुत नाजुक होते हैं। तो देखिये मैंने सारे ऐसे करके ना जितने दाने थे वो एक साथ बारीक बारीक करके ना पूरे आ गए हैं ट्रे में। अब इसको बढ़िया से साफ कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़े से रेसे होते हैं, उसको निकाल लेते हैं। अब भुट्टे तो हमारे अच्छे से दाने जो है निकल चुके हैं, तब इसको हमें उबालना है। तो कोई भी बर्तन रखेंगे गहरा सा, मैंने कढ़ाई लिया हुआ है उसमें लगभग 2 कप के हिसाब से पानी डाला है, जो ये भुट्टे के दाने हैं ना वो उसमें डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे। इसमें वैसे ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है क्योंकि बहुत ही अभी एकदम से ये मतलब बेबी कॉर्न है, तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी उबल जाएंगे, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा देर तक नहीं उबाले। तो लगभग कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसको छोड़ दीजिए। ये देखिए कैसे होने लगा है सॉफ्ट से, बस इसको हम यहाँ पे चाकू से चेक कर सकते हैं। तो ये डालते ही तुरंत जैसे लग रहा था कि भुट्टे ना अच्छे से हो गए हैं, तो जैसे ही लगा है कि उबलने लगा है मैंने इसको धीमे कर दिया है। तब तक चाट जो हमें बनाना है उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर, धनिया की पत्ती, हरी मिर्ची लिया है, इसको बहुत ही बारीक करना है। फिर मुझे कुछ अचानक से काम आ गया तो मैं देखने लगी, फिर हस्बैंड को मैंने बोला तो वो सारी कटिंग कर रहे हैं, बहुत ही बारीक बारीक करके रखा हुआ है सारी चीजें जो हमें इसमें डालना है। वो सारी चीजें कट चुकी हैं और कॉर्न जो है ना अच्छे से उबल चुका है। गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसे किसी गहरे बर्तन में ना छान लेंगे। तो कोई भी गहरा सा बर्तन रखेंगे, ऊपर कोई भी जो छन्नी होता है ना घर में दूध लेते हैं वो छन्नी रख दीजिए और इसको अच्छे से छान लीजिए ताकि पानी जो है निकल जाएंगे। गर्म पानी में छोड़ेंगे तो और ज्यादा ये बहुत ज्यादा हलवा की तरह हो जाएगा क्योंकि बहुत सॉफ्ट है दाने इसके, और इसका पानी पूरी तरीके से निकाल देना है। तो ये देखिए मैंने इसको छन्नी में रख के और इसको थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे चला दिया है ताकि ये पानी जो है ना अच्छे से निकल जाए। अभी तो बारिश का सीजन चल रहा है तो इसमें इसको मजेदार बनाने के लिए, जो चटपटा खाने का मन होता है, जिसको चटपटा सा बनाने के लिए क्या करेंगे, कोई भी गहरा सा बर्तन ले लेंगे और जो हमने छन्नी के लिए रखा है ना ये भुट्टे कॉर्न वो पलट देंगे इसमें। तो पलट के इसके ऊपर ना 2 चम्मच बटर डालेंगे ताकि ये थोड़ी सी गर्माहट भी है, बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और जो हमने काट के बारीक बारीक सब्जियां रखी हुई हैं, जैसे प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्ची, धनिया की पत्ती, ये सारी चीजें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर आपको बच्चों को ऐसे ही देना है तो बटर डाल के हल्का सा काली मिर्च पाउडर डाल के ना ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अभी बारिश के दिनों में ऐसे खाने में बहुत मजा आता है। तो मैंने सारी चीजें एक साथ मिला दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा भुना जीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा काला नमक, बस इससे ज़्यादा इस पर कुछ भी नहीं जाना है। थोड़ा सा यहाँ पे चाट मसाला भी ले लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करना है। बस हमारा मज़ेदार सा है जो कॉर्न चाट है ना ये बन के तैयार हो गया है। बच्चों को देना है तो जैसे मैंने बताया था प्याज टमाटर अवॉइड कर सकते हैं, एकदम स्वीट बना सकते हैं। और अभी चटपटा खाने के लिए हमारा जो चाट है बन के तैयार हो गया है। लास्ट में मिलाने के बाद से ना इसमें नींबू का रस मिला लीजिए और दोनों हाथों से मैंने कैसे चम्मच से मिक्स किया है और इतनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है क्योंकि इसके अंदर बटर जो है मेल्ट हो चुका है और ये सारी चीज़ें जो है मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से। अब इसको सर्व करेंगे जैसे हम थिएटर में खाते हैं ना मूवी देखते समय, उसी कप में हम सर्व भी करेंगे ताकि एकदम लुक देख के वही वाला आएगा। तो कितना आसान है, मिनटों में बन के तैयार हो गया है क्योंकि भुट्टे अभी है ना बहुत सॉफ्ट वाले आ रहे हैं, ताज़ा आ रहे हैं, तो इसका फटाफट कभी भी बनाया जा सकता है। तो आप इसे जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि जो मेरी आज की रेसिपी है वो कैसी लगी।
इसको ना आप जो फ्रोजन का जो कॉर्न आता है उससे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर टेस्टी मजेदार बनाना है तो अभी बारिश के दिनों में जो चल रहा है ना वो उसी का बनाइए, ताजा ताजा बहुत ही मजेदार बनेगा। स्वीट कॉर्न चाट इतने आसानी से घर पे बन गया है जैसे कि हम मूवी देखने जाते हैं तो खाते हैं ना, एकदम वैसे ही मैंने सर्व किया है। देख के बड़ा अमेजिंग सा लुक आ रहा है। बनाना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है। और अभी दिल्ली में तो बारिश का टाइम चल ही रहा है, बारिश तो हर जगह है, मानसून का सीजन चल रहा है, लेकिन बारिश के साथ साथ ना उमस वाली गर्मी बहुत ज्यादा है जो मुझे देख के लग रहा होगा। तो आप इसे जरूर ट्राई करिए, क्योंकि भुट्टे का जो सीजन आता है ना वो अभी आता है, जो फ्रेश भुट्टे जो मिलते हैं, बाकी ये कॉर्न तो हमेशा मिलते ही है। तो आप इसे जरूर बनाइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये झटपट सी वाली रेसिपी कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा आप शेयर और लाइक करना मत भूलिए, और मुझे आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं और न्यू मजेदार रेसिपीज के साथ। थैंक यू।